हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फाइनली ऑन डिमांड द स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलेन केलर का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉवल की राइटर अपनी लाइफ की कहानी की शुरुआत कुछ डर और हिचकिचाहट के साथ करती है। उसके हिसाब से आत्मकथा लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बचपन के टाइम का सच्चा विवरण बताना यानी कि प्रस्तुत करना बिल्कुल आसान नहीं है, जबकि लेखिका या लेखक अपनी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्व जो अवस्था होती है मैं उस टाइम का विवरण प्रेजेंट करें। लंबे टाइम के बीत जाने पर वास्तविकता यानी कि रियलिटी और कल्पना आपस में घुल मिल जाते हैं और महिला नॉवेलिस्ट बचपन की रियलिटी पर एक काल्पनिक लेयर चढ़ा देती है और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें रंग भरती है। बचपन की यादें एक मैच्योर पुरुष या महिला का अनुभव बन जाती हैं। उसके अतिरिक्त बचपन की कई घटनाएं एडोलेसेंट में अपना इम्पोर्टेंस खो देती हैं। कुछ इंसिडेंट्स भुला भी दिए जाते हैं। इस चैप्टर में नॉवेल की राइटर उन्हीं घटनाओं को फ्रीक्वेंटली पिक्चर्स द्वारा प्रेजेंट करेगी, जो कि उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंस लगते हैं। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था, नॉर्थ अलाबामा के टस्कम्बिया नाम के एक छोटे से कस्बे में। वो आर्थर एच केलर और कैट एडम्स की पहली संतान थी। उसके फादर के जो पूर्वज यानी कि दादा परदादा स्विट्जरलैंड से आए थे और मैरीलैंड में रहने लगे थे। उसकी दादी वर्जीनिया के शुरुआती गवर्नरों में से एक एलेक्जेंडर स्पॉट्सवुड की ग्रैंड डॉटर थी। हेलन के रिलेटिव्स में से एक चार्ल्स एडम्स ने सिविल वॉर में दक्षिणी सेना की तरफ से भाग लिया था और वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए थे। दूसरे बच्चों की तरह ही उसका बचपन भी बहुत ही खुशी भरे वातावरण में बीता, क्योंकि वो फैमिली की पहली संतान थी, इसलिए वो सभी को बहुत प्यारी लाडली थी। ये फैसला किया गया कि उसका नाम हेलन एवर्ट रखा जाए, लेकिन जब उसके फादर बपतिस्मा की रस्म रिवाज के लिए उसे गिरजाघर ले जा रहे थे तब वो ये नाम भूल गए। पूछे जाने पर उन्होंने उसका नाम हेलन एडम्स बताया। अपने बचपन के 1.5 साल तक वो बहुत खुश रहने वाली बच्ची थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक विचित्र बीमारी रोग ने उस पर हमला कर दिया। रोग को पेट और दिमाग की बहुत ज़्यादा कंजेशंस यानी कि झकड़न के रूप में डायग्नोस यानी कि पहचाना गया। रोग ने उसकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति को छीन ली। पूरी दुनिया उसके लिए अंधकारमय हो गई। किसी को भी यहाँ तक कि डॉक्टर को भी मालूम नहीं था कि वो फिर से देख या सुन पाएगी या नहीं।